नहीं, आज फिर से एक नए विषय पर टिप्स लेके आई हूँ। आज का विषय है सॉल्ट। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो आप मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जिनको भी जो भी ये टिप्स का उपयोग कर रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें कि उनको फ़ायदा हुआ है या नहीं। अगर फ़ायदा नहीं भी हुआ है तो भी लिखें, फ़ायदा हुआ है तो भी लिखें। आज हम टिप्स देंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट हमारा फूड का एक बहुत ही मुख्य इंग्रेडिएंट है। अगर सॉल्ट हम खाने में नहीं डालते हैं तो खाना बेस्वाद हो जाता है। अगर ज़्यादा पड़ता है तो खाना खाया नहीं जाता। अगर कम पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। एक निश्चित मात्रा में अगर हम लेते हैं तो वो हमें बहुत ही फ़ायदा करता है। अच्छा, आज का टिप उसी रिलेटेड है कि सॉल्ट हमारे खाने के अलावा क्या क्या काम करता है। पहले तो मैं हेल्थ की बात करूँगी। अगर हेल्थ में आपको ब्लड प्रेशर है तो सॉल्ट उसे नियंत्रित करता है। कैसे? अगर लो ब्लड प्रेशर है तो एक ग्लास में 2 चम्मच सॉल्ट डाल के पी जाइए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। विद इन 20-25 मिनट्स आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच नमक डालिए और उसमें नहा लीजिए। सर पे पानी नहीं डालना है। नहाने के बाद देखिए, बाहर आइए और देखिए 20-25 मिनट में आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ सॉल्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल एंड फ्रॉम लो टू नॉर्मल। सो सॉल्ट हमारे ये दो काम तो हेल्थ इश्यूज में आती ही है। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। कई कंट्रीज़ में ऐसा माना गया है कि सॉल्ट हम एक दूसरे को देते नहीं हैं। हमारे इंडिया में हम देते नहीं हैं, बट कई कंट्रीज़ में ऐसा देखा गया है कि सॉल्ट हम हाथ में देते हैं। हाथ में देने से क्या होता है, उन लोगों की मान्यता है कि फ्रेंडशिप और ट्रस्ट बढ़ता है, राइट? फ्रेंडशिप और ट्रस्ट बढ़ता है। अगर हम किसी के घर गए हैं और हम किसी से सॉल्ट मांग रहे हैं, टेबल पे खाना खाने बैठे हैं और सॉल्ट मांग रहे हैं, तो वो सॉल्ट हमें हाथ में देता है। हाथ में देने का मतलब है उसको हमारे से फ्रेंडशिप ज़्यादा करनी है और ट्रस्ट हमारे से हमारे ऊपर ज़्यादा है। सो ये दो चीज़ें इंडिकेट करता है सॉल्ट का आदान प्रदान। हमारे इंडिया में ऐसा माना गया है कि सॉल्ट हम हाथों से देते हैं तो झगड़े हो सकते हैं या हमारी एक दूसरे से अनबन हो सकती है। सो बट सॉल्ट दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह से माना गया है। हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम कभी सॉल्ट नहीं देते हैं, पर दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा माना गया है कि अगर हम सॉल्ट न्यूबॉर्न बेबी को चटा देते हैं ज़रा सा तो बेबी रोता है, नो डाउट रोता है। पर उन लोगों का कहना ऐसा है कि अगर हम न्यूबॉर्न बेबी को सॉल्ट देते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी जो अब रोएगा वो पूरी ज़िंदगी भर नहीं रोएगा। वो पूरी ज़िंदगी भर दरिद्रता और हेल्थ इश्यूज़ और उससे जब पीड़ित होगा तो वो नहीं रोएगा। सो अभी से थोड़ा सा रुला दो तो ज़िंदगी भर वो नहीं रोएगा, ये इन सब चीज़ों को लेके। सो ऐसा माना गया है। कई कंट्रीज़ में मोर्टालिटी रेट्स बहुत कम है तो उन लोग न्यूबॉर्न बेबीज़ को के कपड़े जो होते हैं उसको थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके उसको रख देते हैं। सॉल्ट स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि वो बेबी की लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा मान्यताएं हैं दूसरी कंट्रीज़ में। जो भी कंट्री में जैसे अफ्रीका है, यूक्रेन है, जहाँ पर मोर्टालिटी रेट्स कम हैं वहाँ पर ये प्रयोग किए जाते हैं कि कपड़ों में सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया जाता है और थोड़े दिन उसको फोल्ड करके रख दिया जाता है, तो उसमें मोर्टालिटी रेट्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, बेबी को कोई बीमारी नहीं पकड़ती है और वो कम हो जाती है। कई जगह ऐसा भी माना गया है कि सॉल्ट अगर हमें कहीं से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो हम सॉल्ट
हमारे कपड़ों में स्प्रिंकल कर दें और फिर उसे पहने, तो उसकी जो नेगेटिव ऑरास है वो निकल जाती है। कई जगह ऐसा भी माना गया है कि कोशर सॉल्ट है, सॉल्ट के बहुत सारे प्रकार है, एक कोशर सॉल्ट आता है बाज़ार में, वो सॉल्ट अगर लाके हम किसी के कपड़े घर में, जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ से सही नहीं बोल रहा है, इफ़ ही इज़ टेलिंग लाइज, और या तो कुछ बता ही नहीं रहा है कि वो क्या करता है, किसको किसके साथ मिलता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, अगर ये नहीं बता रहा है तो कोशर सॉल्ट लाइए बाज़ार से, उसको आप एक बाल्टी पानी में भिगोइए एक चम्मच, और उसमें अपने हस्बैंड के कपड़े डाल दीजिए, उसको भिगा के रखिए, डाल दीजिए काफ़ी 10-15 मिनट 25 मिनट तक, उसको अच्छे से भीगने दीजिए, और फिर हमारे नॉर्मल कपड़ों के साथ उसे धो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम अपना हस्बैंड जब कपड़े पहनेगा वो, तो वो सही बोलने लग जाएगा आपको कि मैं ये कर रहा था, मैं वो जो भी अंदर दबाए हुए हैं वो बोलना शुरू कर देगा। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप थी कोशर सॉल्ट की। सो ये सारी टिप्स हैं, और भी मैं कई सारी टिप्स लेके आऊँगी, छोटी छोटी टिप्स, सॉल्ट रिलेटेड भी बहुत सारी टिप्स मैं लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नंबर है 7990623313। अगर किसी को पर्सनली मेरा कांटेक्ट करना है तो 7990623313। जिसको भी कोई स्पेल्स कराने हैं या कोई रीडिंग करवानी है, टैरो रीडिंग करवानी है या कोई स्पेल्स करवाने हैं, कोई कैंडल रिलेटेड इश्यू स्पेल्स है, तो आप मेरा कांटेक्ट 7990623313 पे कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों के पास काफ़ी टिप्स जाएंगी। कई लोगों के लिए कई टिप्स नई होती हैं, कई लोगों के लिए पुरानी होती है, तो आप इसे शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते।